वेल करण कुंद्रा के फैंस है सुपर डुपर लकी। वेल एक जगह पे जहां पे रियल लाइफ में करण कुंद्रा कैसे है वो आपको देखने का पैपराजी और सोशल मीडिया पे मौका मिल ही जाता है। दूसरा जेलर के अंदाज में, बैड एस जेलर के अंदाज में लॉकअप में करण कुंद्रा को आप देख रहे हो। अब इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों के साथ कुंद्रा कैसे डील करता है ये भी आपको देखने का मौका मिलेगा डांस दीवाने जूनियर्स 23rd अप्रैल से जो शुरू होने जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है डांस दीवाने जूनियर शुरू करने से पहले करण कुंद्रा को आखिर किस बात का लग रहा था डर? चलिए आपको बताते हैं करण ने क्या किया है रिवील इन इज रीसेंट इंटरव्यू। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। एंड एक रीसेंट इंटरव्यू में ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ डांस दीवाने जूनियर्स करण कुंद्रा ने कुछ बातें रिवील की है जो आज जाके सामने आ रही है। जहां पे करण कुंद्रा को पूछा गया था इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ आपको शो होस्ट करना है, इन बच्चों को आपको हैंडल करना है, सो आपको कैसा लग रहा है वो फीलिंग इस शो का होस्ट बनकर फिर एक बार कलर्स पे आने का और वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ एक शो करने का, सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सो करण ने कहा द शो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जो जब कंसेप्ट भी बताया गया मैं काफी इंटरेस्टेड था, मैं शो डेफिनेटली करना चाह रहा था, मैं कर भी रहा हूं, लेकिन मुझे बात का डर था कि आखिर बच्चों के साथ मेरी बॉन्डिंग कैसी होगी और कैसी नहीं, क्योंकि बाकी लोग जो होते हैं आप उन्हें बोल तो सकते हो कि यू नो मैं करण कुंद्रा हूं, 13 साल से मेरे एक्सपीरियंस है, 13 साल से मैं काम कर रहा हूं, सो दे वांट टू रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड। लेकिन जब बच्चों की बात होती है वो काफी नाइव होते हैं और उनके लिए ना ऐसा कोई स्टार सुपरस्टार कोई बड़ा इंसान ऐसा टाइप नहीं होता, कोई सेलिब्रिटी नहीं होता, उनके लिए हर एक जन ह्यूमन बीइंग होता है। तो मुझे डर था कि क्या बच्चों को मैं पसंद आऊंगा नहीं आऊंगा, व्हाट इफ अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आया तो कैसा होगा शो में, क्योंकि मैं उनके और जजेस के बीच एक ब्रिज वाला पार्ट रहूंगा, आई विल बी अ ब्रिज बिटवीन द कंटेस्टेंट्स एंड द जजेस, कि उनकी जो जर्नी है स्टार्ट जब से होगी जब तक एंड होगी वो पूरे 4 महीने का जो प्रोसेस है मैं इन बच्चों के साथ रहने वाला हूं। तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि क्या इन बच्चों की मेरे साथ बन पाएगी, क्या बच्चे मुझे पसंद करेंगे, क्या हम आपस में धमाल मस्ती कर पाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ शूट के दिन जब उनके साथ रहूंगा उतना ही नहीं बल्कि मुझे उनके साथ अदरवाइज भी बातें करनी है, अदरवाइज भी मेरा उनके साथ बॉन्ड बनना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा इनिशियली डर लग रहा था बट आई थिंक आई एम एंजॉइंग इट, बच्चों को भी मेरे साथ मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। सो हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था लेकिन अब डर नहीं लग रहा है। इस तरीके से करण कुंद्रा ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बताया है डांस दीवाने जूनियर्स को साइन इन करने से पहले आखिर कौन सा डर उन्हें सता रहा था। आपको क्या है कहना इसके ऊपर, व्हाट्स योर रिएक्शन, बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।